नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संजय शर्मा। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं इंडियन ज्योग्राफी। इससे पहले मैंने ज्योग्राफी के फंडामेंटल ज्योग्राफी के कुछ लेक्चर्स पोस्ट किए हुए हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं, आप लोगों ने देख सकते हैं। वो टॉपिक्स पे मैंने बात करी है लेटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड और ट्रॉपिक्स, फिर मतलब बात करी सीजन साइकिल, टाइम जोन, ये सब बातें हमने की हैं, और फिर वर्ल्ड मैप पूरा मैंने आपको बताया है। तो वो लेक्चर्स आप जरूर देख लीजिए क्योंकि उनके बाद ही आपको पूरा ज्योग्राफी समझ में आना चालू हो जाएगा। फंडामेंटल ज्योग्राफी पे अभी मैंने लेक्चर्स नहीं डाले हुए हैं। मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा कि फंडामेंटल ज्योग्राफी के लेक्चर्स भी मैं पोस्ट करूँ, लेकिन अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी इज मेनली अप्लाइड पार्ट। तो इंडियन ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट्स कम रहेंगे लेकिन फंडामेंटल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे सारे यूज होंगे। तो जहां भी कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको बताते चलूं। ठीक है फ्रेंड, तो हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी की। बात अगर करें तो चाहे आप सिविल सर्विसेज की या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जहां पे जनरल स्टडीज है वहां ज्योग्राफी जरूर रहेगा। अगर बात करें यूपीएससी या एमपीपीएससी या कोई भी आपका पीएससी है, ठीक है फ्रेंड, तो उसमें ज्योग्राफी आपका प्री एग्जाम्स में भी रहेगा और मेन एग्जाम में भी रहेगा। अब ये अंडरस्टूड है कि प्री एग्जाम्स में ज्यादा आपको फैक्ट्स पूछेंगे, बट आपको यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में प्री में भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। मेन एग्जामिनेशन में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, एनालिटिकल क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ज्योग्राफी में आप पूरे नंबर ले सकते हैं, इसलिए इस सब्जेक्ट को बहुत बहुत ही अच्छे से तैयार करें। ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो मैं बात करता हूँ फ्रेंड इंडियन ज्योग्राफी की। तो इंडिया के बारे में हम जानते हैं कुछ बातें। इंडिया इज अ एशियन कंट्री, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसमें भी साउथ एशिया में है। अभी साउथ एशिया क्या होता है ये हम बेसिक लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, उसको हमने डिवाइड किया है वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। तो उसमें से साउथ एशिया में इंडिया है। साउथ एशिया की जो कंट्रीज हैं उनने अपना एक रीजनल क्या बनाया है, ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये सब बातें आप लोग को पता है। अगर हम वेदास की बात करें तो वेदा में इस पीस ऑफ लैंड को कहा गया है जम्बू द्वीप। इसलिए कभी भी पूजा हो रही होगी घर में तो आप ध्यान से सुनिएगा, पंडित जी आपको बोलते हुए मिलेंगे जम्बू द्वीप आर्यावर्ते भारतवर्ष, फिर वो आपको अपने विलेज तक बोलते हुए लाएंगे, देन फिर आपसे दक्षिणा कराएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो हमारे वेदास में भी मतलब क्या ज्योग्राफी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दिए हैं। पीस ऑफ लैंड दिया है, कहाँ है, कैसा है, ग्रह नक्षत्र, तो सब कुछ मालूम था हमें। ओके फ्रेंड, इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। अगर बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की तो अप्रोक्सीमेटली 2750 BC में इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया था, लेकिन उससे भी पहले अप्रोक्सीमेटली 30,000 ईयर्स बैक प्री हिस्टोरिक मीन्स जो थे मतलब क्या प्री हिस्टोरिक मैन, वो मतलब उसके के एविडेंसेस आपको इंडिया में मिलते हैं। प्री हिस्टोरिक केव्स मिलती हैं, पेंटिंग्स मिलती हैं, नॉन क्लियर। हम देखते हैं इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट, नदर्न मोस्ट पॉइंट, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट वेस्ट में इंडिया के क्या लिमिट्स हैं, तो उसको हम इस मैप से समझ लेते हैं। तो मैप में आप देखेंगे नदर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंडिया का, इट इज कॉल्ड इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं फ्रेंड इसको, इट इज कॉल्ड इंदिरा कॉल। और सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंडिया का, इट इज कॉल्ड इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। तो ये जो नदर मोस्ट पॉइंट है 37 डिग्री 6 मिनट पर है, इंदिरा कॉल बोलते हैं। और सदर मोस्ट पॉइंट हमारे मेन लैंड का है वो कन्याकुमारी पर। ये इंदिरा पॉइंट एक्चुअली यहाँ पे नहीं है, मैं आपको बताता हूँ अभी कहाँ पे है। ये वाला सदर मोस्ट पॉइंट जो है इसको बोलते हैं हम कन्याकुमारी। तो ये कन्याकुमारी जो है वो है मतलब कहा 8 डिग्री 4 मिनट पर। लेकिन अगर हम अंडमान निकोबार आइलैंड का सदर मोस्ट पॉइंट देखते हैं तो वो है इंदिरा पॉइंट, और उसको बोलते हैं और वो है 6 डिग्री 4 मिनट पर। और इंदिरा पॉइंट को हम पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। तो नॉर्थ और साउथ के बीच का जो हमारा डिस्टेंस है, अगर उसकी बात करें तो वो 3214 किलोमीटर का हमारा नॉर्थ साउथ एक्सपेंशन है इंडिया का। नदर मोस्ट पॉइंट, सदर मोस्ट पॉइंट बात कर लिया हम। आपने नहीं बात करते ईस्टर्न और वेस्टर्न पॉइंट्स की, तो वेस्टर्न पॉइंट जो है हमारा वो है सर क्रिक पर 68 डिग्री 7 मिनट पर है, जबकि ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट हमारा 97 डिग्री 25 मिनट पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है वो 2933 किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड, लेकिन आप देख रहे हो कि अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री का डिफरेंस है लॉन्जिट्यूड में, और अगर लॉन्जिट्यूड में 30 डिग्री का डिफरेंस हो तो उसको 15 से डिवाइड करोगे तो 2 ऑर्ड्स आता है। इसलिए ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट के बीच में 2 ऑर्ड्स का डिफरेंस है। ये 2 ऑर्ड्स क्यों आ रहे हैं, मेरे बेसिक लेक्चर्स की क्लास में जब मैंने टाइम का कॉन्सेप्ट बताया वहां बता दिया है, फिर भी एक बार फास्ट रिवाइज करता हूँ कि मैंने अगर अर्थ के लॉन्जिट्यूड्स को कितने लॉन्जिट्यूड बन सकते हैं 360, कितना टाइम होता है 1 डे में 24 आवर्स, अगर उसको डिवाइड किया तो 15 डिग्री आता है। मतलब
एवरी 15 डिग्री अगर अर्थ रोटेट होगी तो वन और का टाइम गैप आ जाएगा। यहाँ पे 30 डिग्री का डिफरेंस है दो पॉइंट के बीच में, तो टू और का टाइम गैप है हमारे ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पर। इसलिए हमने टाइम जोन के लिए हमारा स्टैंडर्ड मेरेडियन जो लिया है वो 82.5 डिग्री पर लिया है। इसको स्टैंडर्ड मेरेडियन बोलते हैं, ये लिखा हुआ है। ये स्टैंडर्ड मेरेडियन जो है इससे हम अपना टाइम कैलकुलेट जब करते हैं मतलब उसे 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 5:30 आता है जीएमटी से, मतलब ग्रीनविच मीन टाइम से हम 5:30 अहेड है बिकॉज वी आर इन ईस्ट। गॉट द पॉइंट। चलिए फ्रेंड, तो ये हमारे मतलब ईस्टर्न मोस्ट वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट सब पे बात हो गई। अगर हम देख रहे हैं तो इंडिया का अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द इंडिया इज मैरीटाइम जो कि सराउंडेड बाय इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन को इंडिया ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी मतलब नदर्न हाफ, जबकि हमारा लैंड फ्रंटियर से कनेक्टेड है। तो हम देखते हैं कि हमारा लैंड फ्रंटियर भी बहुत ज्यादा है और हमारी कोस्ट लाइन भी बहुत ज्यादा है। दैट्स वाई हमें हमेशा ही अपने बॉर्डर पर बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ेगा। हम देखते हैं इंडिया का एरिया कितना है, तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का एरिया है। ये एरिया सिर्फ 2.4% ऑफ द वर्ल्ड एरिया है, तो 2.4% एरिया बहुत कम है वर्ल्ड का, लेकिन इस पे हम 17% वर्ल्ड पॉपुलेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। कितनी पॉपुलेशन है इंडिया की, 121 करोड़ अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। लेकिन अभी अगर हम अभी की पॉपुलेशन की बात करें तो वो अप्रोक्सीमेटली 135 करोड़ से भी ज्यादा है, ठीक है, और ये बहुत ही कम एरिया है। तो मतलब ना अगर बात कर रहे हैं एरिया के टर्म्स में तो इंडिया कम्स का सेवंथ, जबकि इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इंडिया कम्स मतलब सेकेंड। तो ये जो है सेवंथ है, तो हमसे बड़ी 6 कंट्री कौन सी है उसको याद करने के लिए है रकुक बाई, एक न्यूमोनिक है जिसको आप देख लीजिए रकुक भाई, मतलब रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। बहुत से सोर्सेज में आपको मिलेगा कि चाइना का एरिया यूएसए से ज्यादा है, इट इज नॉट सो। बहुत जगह चेक करिए आप तो आपको सही फैक्ट मिलेगा कि यूएसए का एरिया ज्यादा है। सो दैट्स वाई ये जो हमसे बड़ी 6 कंट्रीज है वो ये है, और मतलब इंडिया इज अ 7th लार्जेस्ट कंट्री, तो 7th, लेकिन 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इंडिया की। तो मतलब हमसे ज्यादा से पॉपुलेशन है चाइना की और उसे भी हम बहुत जल्दी बीट कर देंगे, तो हम मतलब हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होने वाले हैं वर्ल्ड की वेरी सून। ओके फ्रेंड, आगे बात करें कि हमारे टॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो मतलब इंडिया के ऑलमोस्ट सेंटर से पास हो रहा है, बट रिमेंबर वो सेंटर से पास हो रहा है बट जो उसके नॉर्थ का एरिया है वो ट्वाइस है एज कंपेयर टू साउथ का एरिया। मतलब टॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ का एरिया इज लेस बिकॉज ऑफ कि वहां टैपरिंग हो गया है पेनिनसुला के कारण, तो नॉर्थ का एरिया इज मोर। ओके फ्रेंड, बट स्टिल हम एक बार जानते हैं कि इंडिया को वी कॉल अ ट्रॉपिकल कंट्री, तो हम जानते हैं कि ये इक्वेटर है अर्थ में अगर, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच का एरिया इट इज कॉल्ड अ ट्रॉपिकल एरिया। नाउ जब इंडिया का 2/3 एरिया जो है वो ट्रॉपिक्स के बाहर है, देन हम वाई मतलब कि उसके बाद भी इंडिया को ट्रॉपिकल ही बोलते हैं, बिकॉज कि जो इंडिया में हिमालय है, मैं अगर बात करूं ये इंडिया का मैप अगर हम बनाते हैं, ठीक है, तो यहां पे वी नो कि यहां हिमालय है और ये बिकॉज ऑफ दिस हिमालय जो यहां साइबेरियन विंड्स आने वाली थी, यहां से साइबेरियन विंड्स आने वाली थी, वो साइबेरियन विंड्स यहां पे नहीं आ पाती हैं। दैट इज वाई इंडिया का जो मतलब बोलो क्लाइमेट है वो जनरली हॉट रहता है ना, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है। दैट्स वाई वी कॉल इट अ ट्रॉपिकल कंट्री। ये अकेला रीजन नहीं है, देर आर टू रीजन कि इंडिया को हम क्यों ट्रॉपिकल बोलते हैं। पहला इज अ क्या फिजिकल या फिर क्लाइमेटिक रीजन, एंड द अदर रीजन इज अ कल्चरल फैक्टर्स। तो क्लाइमेटिक रीजन में हमने देख लिया कि हिमालय जो है वो नहीं आने दे रहा है कोल्ड विंड्स को, दैट इज वाई हमारे यहाँ पे वार्मथ बनी रहती है, तो वी कॉल इट अ ट्रॉपिकल। सेकेंडली कि हमारे यहाँ के लोगों का जो लिविंग स्टाइल है, राइस कल्चर है, फिश राइस कल्चर है, देन डार्क स्किन पीपल, देन हमारे यहाँ का मतलब क्या बोलते हैं डिसीजेस की बात करें, मलेरिया एंड ऑल, तो ये सब चीजों से इंडिया एक मतलब क्या ट्रॉपिकल आउटलुक में आता है। जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज आर द ट्रॉपिकल कंट्री, वैसे इंडिया भी एक ट्रॉपिकल कंट्री है। ओके फ्रेंड, तो आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे नेबर्स की बात कर ले इंडिया के अगर, तो वी नो कि इंडिया का जो कोस्ट लाइन है, मैंने अभी मैप बनाया था, दोबारा बना लेंगे कोई बात नहीं, तो इंडिया का जो
इट इज माई एडवाइस कि अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको मैप बनाते बनना चाहिए, इट विल हेल्प यू अलॉट। ठीक है, उतना अच्छा नहीं बना है, प्रपोर्शन कुछ गड़बड़ है, लीव इट। तो अभी हम देख लेते हैं सिर्फ हमारा जो काम का है कि यहां से, जहां से मैं ग्रीन में बना रहा हूं, ये एरिया में हमारा लैंड फ्रंटियर है, और जहां मैं ये पिंक मतलब क्या है वो रेड कलर से बना रहा हूं, यहां पे हमारा मैरिटाइम है। तो ये हमारा जो ग्रीन वाला बॉर्डर है, ये 15,106 किलोमीटर का है लैंड फ्रंटियर, जबकि हमारा जो कोस्टल है वो 7,516 किलोमीटर का है। 7515 याद रखिए आप शॉर्ट में 7515। ये 7515 में दोनों इंक्लूड है, मेनलैंड का कोस्ट लैंड प्लस हमारा आइलैंड का, मतलब यहाँ पे ये मेनलैंड का जो कोस्ट है ये भी इंक्लूड कर लिया इसमें हमने, प्लस ये जो अंडमान निकोबार का जो कोस्ट इंक्लूड करेंगे वो भी कर लिया, लक्षद्वीप का भी कर लिया, देन ये आया 7515 किलोमीटर। तो मैक्सिमम स्टेट इंडिया के आइदर लैंड फ्रंटियर बना रहे हैं और कोस्ट लाइन बना रहे हैं। सिर्फ कितने स्टेट है, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, सिर्फ यही स्टेट है जो लैंड फ्रंटियर भी नहीं बना रहे हैं और कोस्ट लाइन भी नहीं बना रहे हैं। क्लियर है फ्रेंड? तो आगे देखते हैं कि इंडिया के नेबर्स कितने हैं। अभी देखते हैं इंडिया के मतलब के 7 नेबर्स हैं जो कि हमसे लैंड शेयर कर रहे हैं, लैंड बॉर्डर बना रहे हैं, और हमारा क्लोजेस्ट मैरिटाइम पार्टनर कौन सा है? श्रीलंका। अभी हमारे 7 नेबर्स कौन से हैं? यू ऑल नो, उनके नाम मैं आप लिख देता हूँ, चाइना, चाइना, देन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, देन यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ बांग्लादेश है बी, यहाँ पे नेपाल है एन, यहाँ भूटान है बी अगेन, देन यहाँ म्यांमार का एम। कितने हो गए? 7 कंट्रीज। दीज 7 कंट्रीज मेक बॉर्डर विथ इंडिया। इनमें से लॉन्गेस्ट बॉर्डर कौन बना रहा है? लॉन्गेस्ट बॉर्डर बना रहे हैं बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर, रिमेंबर दिस फैक्ट, बहुत बार एग्जाम में आया है, और शॉर्टेस्ट बना रहा है अफगानिस्तान। अभी अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिकली अफगानिस्तान के साथ हमारा अब कोई बॉर्डर नहीं है, प्रैक्टिकली नो बॉर्डर। इसलिए अफगानिस्तान में जाने के लिए हमने क्या किया, ईरान का एक पोर्ट है छबाहर पोर्ट, उसे हमने डेवलप किया है, बिकॉज कि हमें अफगानिस्तान में जाने के लिए वहां से रूट मिल गया है। ठीक है फ्रेंड? सो ये बहुत ही जनरल मैंने बताया है, बॉर्डर के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो आप पढ़िए, खुद से भी पढ़िए, क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर्स में सब कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं होता है, वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाती है। तो अभी जैसे हम जानते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो हमारा बॉर्डर है उसे रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, पोरस बॉर्डर है इसलिए इंसर्जेंसी होती है, ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, मतलब और क्या होता है, इलीगल इमिग्रेशन होता है, सभी कुछ होता है इन सबसे पोरस बॉर्डर से। इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर्स को बीएसएफ गार्ड करता है, जबकि इंडिया चाइना बॉर्डर को मतलब आईटीबीपी गार्ड करता है। ठीक है फ्रेंड? फिर पाकिस्तान की बॉर्डर से जो हमारे चेक पोस्ट है वो है क्या, अटारी बॉर्डर और वाघा बॉर्डर। तो ये जनरल नॉलेज की जितनी चीजें जितना पढ़ सकते हैं आप सब पढ़िए। तो जो भी मैंने आपको आज बताया है इंडिया का जस्ट एक जनरल आउटलुक दिया है। इसके बाद मैं अपने सब्सिक्वेंट जो है लेक्चर्स उसमें स्टार्ट करूंगा फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया को हमने कितने फिजियोग्राफिक रीजन में डिवाइड किया है, देन रॉक सिस्टम पढ़ेंगे इंडिया का। ठीक है, रॉक सिस्टम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स, रिवर्स एंड ऑल, ये पूरा फिनिश करते हुए हम इंडिया के, देन फिर जाएंगे सेटलमेंट, ज्योग्राफी, रिसोर्सेज, क्रॉप्स, एग्रीकल्चर, एवरीथिंग वी विल फिनिश। तो आप लोग बस मतलब यहाँ जुड़े रहिए, रिवाइज करते रहिए एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि मेरे जो भी लेक्चर्स आने वाले सब्सिक्वेंट यू विल गेट इट। ओके फ्रेंड, सी यू, बाय बाय।